हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे होश वाले स्कूल सुजानगढ़ में। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री जो हमारा है 11th केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री क्या होता है सबसे पहले अपन एक बात करते हैं सामान्य सी की, केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आपने 10वीं क्लास में कुछ रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे परमाणु जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, जैसे सोडियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो कई सारी अभिक्रिया भी आपने पढ़ी होगी जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कोई एक पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ में बदलता है। तो ये सब जो हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हम करते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन जो विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान क्या होता है और इस रसायन विज्ञान के अंदर हम क्या बात करते हैं। 10वीं क्लास में अपने बहुत कुछ पढ़ा भी है रसायन विज्ञान में, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ा है, ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अम्ल क्या चीज़ होती है, क्षार क्या चीज़ होती है, रासायनिक यौगिक क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो भी एक रसायन विज्ञान का ही एक हिस्सा है, उसी को हम रसायन विज्ञान में ही लेते हैं। तो रसायन विज्ञान एक्चुअल में क्या होता है, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर हम पदार्थों के गुणों की बात करते हैं। पदार्थ क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ खुद का कुछ द्रव्यमान होता है और जिसने इस अर्थ पे कोई ना कोई स्थान घेर रखा है, यानी कि ऐसी कोई वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान है और जो कोई ना कोई स्थान घेरता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ के गुणों का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं, उस विज्ञान की शाखाओं को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रासायनिक विज्ञान क्या होता है, पहले तो ये देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पदार्थ है जिसका अध्ययन हम इस विज्ञान में करते हैं, तो ये पदार्थ क्या चीज़ होती है। तो यदि हम पदार्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, तो पदार्थ क्या होता है, कुछ भी हो सकता है पदार्थ, कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो तथा जो त्रिविमीय आकाश में, त्रिविमीय आकाश में, त्रिविमीय आकाश का मतलब 3D में कुछ स्थान घेरता हो, कुछ स्थान घेरता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ। इसी पदार्थ का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। आपने 10वीं क्लास में भी इसी चीज के बारे में अध्ययन किया था, जैसे कोई भी यदि आपने अम्ल पढ़ा है, यदि आप अम्ल के बारे में जानते हैं, तो अम्ल भी एक पदार्थ है। और आपको ये भी पता है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको ये भी पता है। अम्ल क्या होते हैं, जो H+ देते हैं, वो भी अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल के ये हो गए गुण, इन्हीं गुणों का अध्ययन हमने किया था इस विज्ञान के अंदर। और अम्ल क्या है, एक तरह का पदार्थ है। तो पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन जिसमें किया जाता है,
विज्ञान की उस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं, और इसमें हम पदार्थ का अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ क्या कहलाता है कि कुछ भी हो सकता है जिसका खुद का कोई द्रव्यमान हो और जिसने 3D के अंदर कुछ स्थान घेरा हुआ है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो ये तो होता है रसायन विज्ञान के बारे में। और यदि हम रसायन विज्ञान के और क्षेत्र की बात करें तो रसायन विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं। यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र क्या है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र तो बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें रसायन विज्ञान को हम आज यूज करते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान काम आती है। कृषि क्षेत्र में कैसे काम आता है? जैसे हम कृषि के अंदर फसलों पे जो कीटनाशक डालते हैं, जो खाद देते हैं, रासायनिक जो खाद होती है, कीटनाशक होते हैं, वो सारे के सारे एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो इसी में अध्ययन होते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। चिकित्सा क्षेत्र में जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन्स होती है, उसमें भी कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ होता है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी काम आता है। व्यावसायिक स्तर पर भी काम आता है। व्यावसायिक स्तर में यदि हम देखें, जितने भी ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट में भी रसायन विज्ञान होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम और इसके स्कोप देखें तो बहुत सारे स्कोप हैं जिसमें जहाँ पर हम रसायन विज्ञान को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम रसायन विज्ञान से संबंधित चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके परिचय की कि रसायन विज्ञान होता क्या है सर, कि रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है। कि सर कौन से गुणों का अध्ययन करते हैं भैया? कि हम करते हैं भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन। तो सर पदार्थ क्या चीज़ है? कि पदार्थ एक ऐसी होता है कि इसमें हम इसके खुद का कोई द्रव्यमान होगा और जिसने 3D के अंदर कोई स्थान घेर रखा है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र, दो क्षेत्र मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है, ठीक है। अब हम इस रसायन विज्ञान में ये जो मेन टॉपिक है पदार्थ, इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ की पहचान कैसे की जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम करेंगे, ठीक है। तो जितनी कुछ हम यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ते हैं उतना पढ़ेंगे, फिर अपन आगे जो बात होगी आगे इसको शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। तो हम इसी हमारे केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है, 11वीं की जो रसायन विज्ञान है उसका जो पहला अध्याय है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान की कुछ आधारभूत अवधारणाएं यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करते हैं पहले चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर ये पहला अध्याय है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की मैंने आपको परिभाषा बता दी है, पदार्थ क्या होता है, ठीक है। अब हम यदि देखें कि पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होगा, ठीक है, ये किस रूप में हमें दिखाई देता है या पाया जाता है। तो पदार्थ की यदि अवस्था की बात करें, अवस्था का मतलब होता है इसका भौतिक स्वरूप। ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है पदार्थ की अवस्था या पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। तो भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ हम देखते हैं, जिसको भी हम अनुभव करते हैं, तो जिस पदार्थ को हम किस प्रकार अनुभव कर रहे हैं, उसके गुणों को हम किस प्रकार देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसकी अवस्था कहते हैं। पृथ्वी पर पदार्थ की तीन अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है।
यानी कि मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्था पाई जाती है, जिसमें पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था है गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। ये तीन प्रकार की मुख्य अवस्थाएं होती हैं जो पदार्थ पाया जाता है। तीनों के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ठोस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के जो कण होते हैं, जिससे पदार्थ बना हुआ है, वो कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं और नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। यानी कि ठोस के अंदर जिन कणों से पदार्थ बनता है वो कण बहुत ज़्यादा नज़दीक व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से इनके बीच की जो दूरियां हैं वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ऐसी व्यवस्था होती है ठोस के अंदर। द्रव के अंदर यदि हम ये देखें कि कणों की व्यवस्था होगी तो नियमित, लेकिन कणों के बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि कण जो है वो ठोस के जितने नज़दीक नहीं होंगे, थोड़ा सा इसमें दूरी बढ़ जाएगी। गैस के अंदर ये हम देखते हैं कि कणों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होते हैं, कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है गैस के अंदर। तो ये कुछ इनके गुण हैं जो आपको पता है, छोटी क्लासेस में हमने इनको देखा भी है, 9th क्लास से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको इन तीनों के गुणों के बारे में पता होना चाहिए, ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है और गैस अवस्था क्या होती है। इनमें मैंने एक गुण के बारे में आपको बताया है कि ठोसों के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है, द्रव के अंदर कण जो है वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, गैस के अंदर कण जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण है वो क्या होता है, न के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो ये होते हैं पदार्थ और ये होती है पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएँ। तो तीन अवस्था है इसकी मुख्य, जो आपको पता होनी चाहिए कौन सी अवस्था है मुख्य इसमें, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। चलिए अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार की, कि पदार्थ कितने प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, अवस्था तो इसकी मुख्य तीन हो गई, अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार। तो ये पदार्थ हो गया, इसके प्रकार कितने हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो है वो फिर से दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक, एक होगा तत्व और एक होगा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, यानी कि मिश्रण जो है ये भी दो प्रकार का होगा, एक होता है समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें कणों का जो संगठन है वो निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें कणों का संगठन निश्चित होता है। संगठन का मतलब होता है मात्रा और कण का मतलब होता है परमाणु या फिर अणु या फिर आयन, इनमें कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी हो उसकी मात्रा यानी कि संगठन हमेशा क्या होता है, एक निश्चित संगठन होता है। ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ में जो संगठन है वो निश्चित नहीं होगा, संगठन अनिश्चित, अनिश्चित संगठन में पाया जाता है। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, यदि हम बात करें तत्व की,
तो तत्व वो होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें समान परमाणु पाए जाते हैं, समान परमाणु पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्व। जैसे सोडियम है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हीलियम है, तो ये जितने भी तत्व है वो शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है दो अलग अलग तत्वों से बने हुए, ठीक है, दो या अधिक, दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने। तो दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल H2O, इसमें देखो हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का एक है, तो हमेशा यही अनुपात रहेगा कि जल का जब निर्माण करना होता है तो हमें हाइड्रोजन के दो अनुपात चाहिए और ऑक्सीजन का एक अनुपात चाहिए, ये अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। अब ये जल चाहे आप अपने मटके से निकाल लो, चाहे समुंदर से ले लो, चाहे बारिश का पानी ले लो, तो जल आप किसी भी स्रोत से ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग होगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जल जो है वो एक यौगिक है और यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं उनका अनुपात हमेशा सदैव क्या रहता है? निश्चित रहता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना हुआ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जो पदार्थ है वो कौन से स्रोत से प्राप्त किया है, यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में एक चीज़ हमेशा निश्चित होती है कि इनके अंदर तत्वों का जो अनुपात होगा, जो मात्रा होगी, जो संगठन होगा, वो क्या होगा बेटा? निश्चित होगा। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं उसको हम कहते हैं मिश्रण, यानी कि दो या अधिक, दो या अधिक पदार्थों से बनते हैं मिश्रण। इसमें समांगी क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि दो पदार्थ को हम मिला रहे हैं, जैसे जल एक पदार्थ हो गया और नमक दूसरा पदार्थ हो गया, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो ये पूर्ण घुल जाते हैं, पूर्ण मिल जाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी। यदि ये पूर्ण तरह से नहीं घुलते, पूर्ण तरह से नहीं मिलते, जैसे जल में यदि हम मिट्टी मिला दें, जल में क्या मिला दें? मिट्टी मिला दें, तो जल के अंदर मिट्टी कभी घुलती नहीं है, पूर्णतया नहीं घुलेगी। तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो पदार्थ पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, और ऐसे मिश्रण जो पूर्णतया मिश्रित नहीं होते उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ये थे पदार्थ के प्रकार। इन सभी प्रकारों को हम एक एक करके फिर से पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा लिखेंगे, इनमें बहुत सारे उदाहरण आएंगे, सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि आज हम एक परिचय कर रहे हैं रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान का जो मेन जो भाग है वो क्या है? पदार्थ है, और पदार्थ कितने प्रकार का होता है वो आज हमने ख़त्म किया। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि पदार्थ में जो हमने प्रकार देखे थे इन प्रकारों में क्या क्या गुण होते हैं, इनमें क्या क्या उदाहरण देखते हैं, ठीक है बेटा। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, अब हम अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपकी जो NCERT की किताबें हैं वो आप खरीद लीजिए, बाज़ार से आ गई होगी, बाज़ार में आप जाके उसको ले लो। NCERT आपको पढ़ना है, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है आज, ओके। और एक नोटबुक लेनी है, एक रफ कॉपी, सॉरी फेयर कॉपी लेनी है, उस फेयर कॉपी में यहाँ हम जो भी पढ़ते हैं आपको उस कॉपी में ज़रूर लिखना है, क्योंकि आप जब तक इनको लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो यह आपको समझ में नहीं आएगा। यदि हम अपने हाथ से इनको एक एक करके लिखते रहेंगे, अच्छे से बनाते रहेंगे कॉपी के अंदर, तो हमें ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।